Now we will do question 8. Anita bought 3 whole 3 upon 4 kg apples and 4 1 upon 2 kg guava. What is the total weight of the fruit purchased by her? तो हमने total weight निकालना है, तो इसमें हम add करेंगे, पहले लिखेंगे Anita bought apples 3 whole 3 upon 4 kg. And Anita bought guava. ये हमारे पास आया 4 1/2 kg. अब हमने टोटल वेट निकाला है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स तो हम इनको ऐड कर देंगे, 3 whole 3/4 + 4 1/2 kg है हमारा. पहले इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 3 12 12 + 3 15/4 + 4 2 8 + 1 9/2. अब 4 और 2 का जो एलसीएम है वो 4 आएगा. अब यहाँ पर 4 1 4 1 15 15, 2 2 4 2 9 18. अब हमारे पास 15 + 18 कितना आ गया, 33/4. अब ये किसी नंबर पे नहीं करता, तो हम इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में. 33 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 8 32, 33 में से 32 लेस किया, हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 8/4. तो टोटल वेट जो है एप्पल्स एंड गुआवा का 1 whole 8/4 kg. केजी जरूर लिखना है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन 9. कहते हैं अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 whole 3/4 cm लॉन्ग एंड 12 1/2 cm वाइड. फाइंड इट्स पेरीमीटर. अब हमें रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ दी हुई है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फिफ्टीन होल 3/4 cm. Breadth BREATH of rectangular sheet is कितनी दी हुई है, 12 1/2 cm. अब हमने find its perimeter. तो perimeter क्या होता है rectangular का, 2l + b 2. अब length कितनी है, 15 3/4 + breadth हमारे पास है 12 1/2. अब पहले हम fraction को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15 4 60 + 3 63/4 + 12 2 24 + 1 25/2. अब इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 4 ही आएगा, तो 63 एज इट इज़ आएगा, और 2 2 4, तो अब 2 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 50 आ गया. अब इनको हम ऐड कर देंगे, 63 ऐड 50 हमारे पास आया 113/4. अब ये कट जाएगा 2 2 4, तो अब ये आगे नहीं कट रहा किसी नंबर पे, 113/2 आ गया. अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पर 13, 2 6 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 56 1/2 cm. जो हमारा पेरीमीटर है वो है 56 1/2 cm.